हेलो फूडीज, वेलकम टू सिमरन्स फाइन डाइन। कैसे आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको पता लगेगा मैंने पाव को स्ट्रीट लुक देने के लिए क्या जुगाड़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कुकर हीट करें, इसी में ऐड कर दूंगी ऑयल। ऑयल मेरी गर्म होगी, इसी में ऐड कर दूंगी अपना खड़ा जीरा और इसे कुछ सेकंड रोस्ट कर ले। जीरा मेरी रोस्ट हो गई, इसी में ऐड कर दूंगी अपने चॉप किए हुए वेजिटेबल्स। ये मैं चॉप किए हुए पोटैटो ऐड कर रही हूँ। कैरेट, बीटरूट इसे भी मैंने चॉप कर लिए है। ये गोभी, मटर, बीन्स जिसे भी मैंने ऐसे चॉप कर लिए है। ये टोमेटोस, इन सभी को मैं ऐसे मिक्स कर लूंगी। इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी साल्ट, इसे अच्छे से मिक्स कर ले सारी सब्जियों के साथ। फ्रेंड्स, बीटरूट से बहुत बढ़िया कलर आएगा, तो इसे स्किप नहीं करें। इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी थोड़े से पाव भाजी मसाला, जिससे हमारे सब्जियों में भी फ्लेवर आ जाएगा। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, चलिए इन सभी को मिक्स कर ले अच्छे से। सब्जियां भी मेरी थोड़ी सी पक गई है, तो इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी वाटर और इसे एक बार मिक्स कर ले और इसे मैं कवर करके हाई फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने तक या फिर सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट होने तक कुक कर लूंगी। तो बस गैस का फ्लेम हाई कर ले। फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुकर ने 3 विसल लगा लिए है, तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और मीन वाइल मैं आगे का प्रोसेस कर लूंगी। तो सबसे पहले एक हेवी बॉटम वाली पैन ले ले और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि ये थोड़ी चौड़ी हो और इसी में मैं ऐड कर दूंगी बटर, ये ऑयल। फ्रेंड्स, बटर ऑयल दोनों को ऐड करें, ऑयल से हमारी बटर जलेगी नहीं। बटर मेरी मेल्ट होगी, इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी फाइनली चॉप किए हुए अनियन और इसे मैं 3 से 4 मिनट कुक कर लूंगी। अनियन मेरी थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी ये बारीक कट किए हुए हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मैं प्याज के साथ कुछ सेकंड कुक कर लूंगी, जिससे इसका कच्चापन चला जाए। इसे कुक किए हुए मुझे कुछ मिनट हो गए, तो इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी ये चॉप किए हुए कैप्सिकम, इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले और इसे मैं प्याज के साथ 3 से 4 मिनट कुक कर लूंगी। प्याज और कैप्सिकम मेरे अच्छे से कुक हो गए हैं, ये पहले से काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, पाव भाजी मसाला, ये कसूरी मेथी ली हूँ फ्रेंड्स, इसे मैं हाथों से ऐसे क्रश करके डालूंगी, जिससे हमारे पाव भाजी में काफी अच्छा फ्लेवर आएगा। ये सभी को अच्छे से मिक्स कर ले। इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा वाटर, जिससे हमारे मसाले नहीं जलेंगे।
इसी में मैं थोड़ा सा वाटर और ऐड कर रही हूँ, जिससे हमारे ओनियन कैप्सिकम सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारे मसाले भी थोड़े कुक हो जाएंगे। तो बस इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट और कुक कर लूँगी। जब तक मेरी ये ओनियन कैप्सिकम कुक हो रहे हैं ना, उधर मैं अपनी सब्जियाँ चेक कर लेती हूँ जिसे मैंने कुकर में विसल लगाया था। ये देखिए फ्रेंड, सब्जियाँ भी मेरी अच्छे से कुक हो गई है, ये सॉफ्ट हो गई है। तो इसे मैं पोटैटो मैशर से मैश कर लूँगी। इसे मैंने पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लिए, तो मैं इसे अपने पैन में डाल दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले मेरे अच्छे से कुक हो गए, ये ऑयल भी रिलीज कर रहा है। इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी अपने ये कुक किए हुए वेजिटेबल्स। और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। और इसे मैं ऐसे पोटैटो मैशर से मैश करते हुए कुक कर लूंगी 3 से 4 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी सब्जियां मेरी कितनी अच्छे से मैश हो गई है। इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा वाटर और इसे मीडियम फ्लेम पे मैं कुक करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बीटरूट डालने से हमारी भाजी में कितनी बढ़िया कलर आई है। इसमें हमें कोई भी कलर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो बस इसे मैं कवर करके 3 से 4 मिनट और कुक कर लूंगी, जिससे हमारी सब्जियां में जो भी थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी वो पूरी पक जाएगी। कितनी बढ़िया कुक हुई है मेरी भाजी, इसकी कंसिस्टेंसी भी हमें ऐसी रखनी है। और ये जैसे जैसे ठंडी होगी ये थोड़ी और थिक होगी। तो इसी स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी ये फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, ये लेमन जूस, ये बटर, और इसे एक बार मिक्स कर ले। भाजी तो मेरी रेडी है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं अपना पाव भी सेक लेती हूँ। तो सबसे पहले ये आयरन का तवा हीट करें। फ्रेंड्स, मैं आज पाव को बिल्कुल स्ट्रेट वाली फिलिंग देने वाली हूँ। इसे मैं ऐड कर दूंगी ये बटर। बटर मेरी मेल्ट हो रही है, इसे मैं ऐड कर दूंगी ये फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। फिर से अपने ये भाजी मसाला। और इसमें अपने ये बन को सेक लूंगी, इसे घुमाते हुए सेक ले। इसी के ऊपर मैं इसे थोड़े से बटर लगा दूंगी। बस इसे घुमा ले और इसे प्रेस करते हुए सेक ले। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा स्ट्रीट पे जो भाजी बनती है वो बड़े से तवे पे बनती है, एंड देन उसमें ही पाव को सेंका जाता है, जिससे पाव में वो भाजी की टेस्ट आ जाती है। मैंने भी सेम वही टेस्ट देने की कोशिश करी है। ये देखिए हमारी पाव में कितनी अच्छी ग्लेज आई है, वो स्ट्रीट वाली फीलिंग आ रही है ना। मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, तो चलिए अभी इसे सर्व करते हैं। यह है हमारा पाव और इसे मैंने आज सर्व करा है ऑनियन और लेमन के साथ। अब आएगा हमारे इसमें गर्मा गर्म भाजी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने कोई भी कलर यूज़ नहीं करा और ये देखने में कितनी डिलीशियस लग रही है। लास्ट में मैं रिचनेस के लिए डालूंगी बटर। तो अगर आपको मेरी ये स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि मेरी रेसिपी की पहली अपडेट आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आगे आपको किसकी रेसिपी देखनी है। तो मिलती हूँ अगली बार एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।